गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डायरिया इन चिल्ड्रन। तो डायरिया समझते सबसे पहले क्या होता है। डायरिया मीन्स मोर देन थ्री लूज टूल्स। सो मोर देन थ्री लूज टूल्स जब पर डे होता है, एक दिन में तीन बार से ज़्यादा जब लूज टूल्स होते हैं तब उसे हम डायरिया कहते हैं। अब लूज टूल्स का मतलब क्या है? लूज टूल्स मतलब अ स्टूल विच टेक अ शेप ऑफ कंटेनर, उसको हम लूज बोलते हैं, है ना। तो अगर तीन बार से ज़्यादा अगर लूज मोशंस हो रहे हैं तो उसको डायरिया कहा जाता है। अब बहुत से लोग डायरिया डिसेंट्री बोलते हैं, तो डिसेंट्री इज डिफरेंट। डिसेंट्री मीन्स, डिसेंट्री का मतलब है लूज टूल्स प्लस ब्लड। अगर उसके स्टूल में ब्लड है तो हम बोलेंगे कि उसको डिसेंट्री हुआ है। अब डायरिया के अलग अलग तरीके से उसको डिवाइड किया गया। फॉर एग्जाम्पल, इसको एक्यूट डायरिया भी कहते हैं, एक परसिस्टेंट डायरिया और एक क्रोनिक डायरिया होता है। एक्यूट डायरिया मतलब जो दो हफ्ते से कम समय के लिए है, उससे अगर ज़्यादा हो जाए तो उसे परसिस्टेंट या क्रोनिक डायरिया कहते हैं। तो क्या परसिस्टेंट डायरिया और क्रोनिक डायरिया एक ही है? नहीं। परसिस्टेंट डायरिया मोस्टली ये एक इन्फेक्टिव पैथोलॉजी के जैसे शुरू होता है और वो परसिस्ट करता है दो हफ्ते से ज़्यादा। और क्रोनिक डायरिया जो हम देखते हैं कि ये मोस्टली नॉन इन्फेक्टिव होता है और अलग अलग पैथोलॉजी जैसे माल एब्जॉर्प्शन इस तरीके से होता है। अब डायरिया के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं? जैसा हम सब जानते हैं कि इन्फेक्शन के कारण डायरिया होता है। इन्फेक्शन आइदर बैक्टीरियल हो सकता है, फॉर एग्जांपल कॉलरा, इकोलाई या फिर शिगेला, इस टाइप के बैक्टीरिया के कारण। और ये वायरल के कारण भी हो सकता है। वायरल में मोस्ट कॉमन कॉज जो हम देखते हैं बच्चों में वो है रोटा वायरस, उसके अलावा एडिनो वायरस और बाकी अदर वायरस के कारण हो सकता है। तीसरा है पैरासाइट। पैरासाइट में जो हमने देखा है मोस्टली अमीबिक डिसेंट्री और जीआरडीएसीसी, ये दो कंडीशन में हमें लूज मोशंस मिलते हैं। इसके अलावा जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो, फॉर एग्जांपल एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट या कंजेनाइटल इम्यूनो डिफिशियंसी के पेशेंट है, उसमें फंगल भी डायरिया हो सकता है। अब कुछ नॉन इन्फेक्टिव कॉजेज भी है जिसके कारण से डायरिया हो सकता है। अब इन्फेक्टिव कॉजेज में ही अगर हम देखें कि जो जीआई ट्रैक में इन्फेक्शन नहीं है, कई और इन्फेक्शन है लेकिन मैनिफेस्ट एज अ डायरिया हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में हम देखते हैं कि बहुत बार लूज मोशंस मिलते हैं। सेकंडली ओटाइटिस मीडिया, सो कान में इन्फेक्शन है लेकिन इसके कारण से बच्चों को डायरिया हो रहा है। तो ये इन्फेक्शन अदर देन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में भी हमें डायरिया देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ अगर हम नॉन इन्फेक्टिव कॉजेज देखें, उसमें देखते हैं कि बहुत बार कुछ ड्रग्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एम्पिसिलिन जो पहले बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होता था उसके कारण से डायरिया होता था। एमोक्सिक्लाव जो हम रूटीनली यूज़ होता है अभी, उसमें भी डायरिया देखने को मिला है। और जो लैक्सेटिव्स है उसके ऊपर भी, उसमें भी अगर उसका ओवर यूज़ हो जाए तो उसमें डायरिया मिल सकता है। अब ये जो एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया है, ये फिक्स नहीं होता, हर किसी को नहीं होता। कोई कोई पर्सन उसको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और इस कारण से बहुत जल्दी किसी इसमें से लूज मोशंस लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को अगर आप एक गोली भी ऑगमेंटिन की दे दो तो उसको लूज मोशंस लग सकते हैं। कोई आदमी आराम से तीन दिन चार दिन ऑगमेंटिन खाने के बाद भी उसको लूज मोशंस नहीं होते। तीसरा, ये इस पे भी डिपेंड करेगा कि आप जो मॉलिक्यूल खा रहे हो वो कितना जल्दी पेट में एब्जॉर्ब हो रहा है। अगर वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है अपर जीआई ट्रैक में ही तो उसमें डायरिया नहीं होता, लेकिन अगर वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो वो इंटेस्टाइन में पहुँचता है और इंटेस्टाइन में पहुँचने के बाद में वहाँ के हेल्दी बैक्टीरिया को किल कर देता है, जिसके कारण से फिर डायरिया लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा नॉन इन्फेक्टिव इसमें हम समझते हैं कि इंडाइजेशन एक कॉज है। फॉर एग्जांपल दो तीन तरह का फूड साथ में खा लिया, ऑयली भी हो गया, मसालेदार भी हो गया, मीठा भी हो गया, खट्टा भी हो गया, बहुत ज़्यादा खाने के कारण और अलग अलग डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी के चीज़ें साथ में खाने के कारण सिस्टम उसे पचा नहीं सकता और जिसके कारण से डायरिया लग जाता है। इसके अलावा कुछ फूड एलर्जीज होती है जिसमें डायरिया हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई कोई पेशेंट चाइनीज़ फूड खाने के बाद आते हैं कि हमने कल मंचूरियन खाया था और उसके बाद से डायरिया शुरू हो गया, तो ये फूड एलर्जीज हो सकती है। स्पेसिफिकली अगर उसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स है या फिर कोई आर्टिफिशियल कलर्स या फिर फ्रेगरेंस मिलाए हुए हैं तो उसको पर्सन एलर्जिक रह सकता है। किसी किसी पेशेंट में कुछ पर्टिकुलर फूड्स, खास तरह के नट्स बोलिए या कुछ तरह के वेजिटेबल्स बोलिए, उसके कारण भी एज अ एलर्जिक मैनिफेस्टेशन डायरिया हो सकता है। अब डायरिया के बारे में इतना कंसर्न क्यों है? डायरिया जब होता है बेसिकली जो इंटेस्टाइन है उसमें फ्लूइड और
सोडियम क्लोराइड ये चीज़ें और पोटेशियम, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस होते हैं, जिसके कारण पानी के शरीर के अंदर एक तो पानी कम होता है जिसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, इसके अलावा इसमें बहुत सारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसका इम्बैलेंस होता है। फॉर एग्जांपल पोटेशियम कम हो सकता है, सोडियम कम ज़्यादा हो सकता है, जिसके कारण से अलग मैनिफेस्टेशन होते हैं। जब शुरुआत में ये डिहाइड्रेशन होना शुरू होता है तो शरीर उसको कॉम्पेंसेट करता है। फॉर एग्जाम्पल जब लूज मोशंस होते हैं तो इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट में फ्लूइड कम हो जाता है, तो जब किडनीज तक के ब्लड जाता है तो किडनीज उसे आइडेंटिफाई करके फ्लूइड को रोकती है, मतलब पेशाब में जो पानी जा रहा है उसको रोक लेती है, जिसके कारण से पेशाब कम होती है, पेशाब गाढ़ी होती है, कॉन्सनट्रेटेड होती है, जिसके कारण से हम देखते हैं कि बच्चा बहुत थोड़ी पेशाब कर रहा है और पीली कर रहा है। ये स्टेज कॉम्पेंसेशन के लिए रहता है और थर्स्ट मेकानिज़म बढ़ जाता है, जिसके कारण से जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहता है उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए। अगर ये इससे ज़्यादा हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा लूज मोशंस लगे हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉलरा है या फिर इकोलाय का सीवियर वेरिएंट है, तो इसमें बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होने के कारण फिर शरीर सीवियर डिहाइड्रेशन में जाता है, जिसमें बच्चे का ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, बच्चे के पल्सेस फीबल हो सकते हैं, हम देखेंगे कि बच्चे के पेरीफेरीज कोल्ड होने लगते हैं, बच्चा ड्राउजी होने लगता है ना, और हम देखेंगे कि म्यूकोजा उसका पूरा ड्राई रहता है, आइज ड्राई रहती है, आइज संकन हो जाती है, स्किन टर्गर हम चेक करें तो स्किन को पिंच करने के बाद में वापस अपनी जगह पे बहुत जल्दी नहीं जाती है, तो ऐसे अलग अलग मैनिफेस्टेशन डिहाइड्रेशन के फिर आने शुरू होते हैं। तो अगर हम क्लिनिकल फीचर्स देखें, अपार्ट फ्रॉम लूज मोशंस बहुत से अदर मैनिफेस्टेशंस भी रहते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चे को वोमिटिंग रह सकता है, बहुत बार शुरुआत डायरिया से होती है और वोमिटिंग बाद में होती है, या बहुत बार शुरुआत वोमिटिंग से होती है और बाद में डायरिया शुरू होता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि बच्चे को फीवर रह सकता है, अपसेट रह सकता है, जीआई अपसेट होने के कारण बच्चा खाने को नहीं देखता है, एनोरेक्सिया रहेगा। इसके अलावा बच्चे को हेडेक रह सकता है, बॉडी एक रह सकता है, कभी कभी बॉडी पर रैशेस आ जाते हैं, जॉइंट स्वेलिंग हो जाता है, और फिर इसके कॉम्प्लिकेशन के मैनिफेस्टेशन, फॉर एग्जांपल हमने समझा कि डिहाइड्रेशन अगर है तो ड्राई माउथ, ड्राई आइज, संकन आइज, स्किन टर्गर लॉस होना, बच्चा ड्राउजी हो जाएगा और फीडिंग नहीं करेगा, बीपी कम हो सकता है, शॉक में जा सकता है, ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। बहुत से इसमें रियल कॉम्प्लिकेशन में हमने देखा है कि बहुत बार बच्चों को कन्वर्जेंस भी आए हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ें इसके मैनिफेस्टेशन में आ सकते हैं। तो क्या सिर्फ लूज मोशन की हिस्ट्री अगर हम प्रॉपरली ले तो उसमें से थोड़ा क्लू मिल सकता है कि ये वायरल है या फिर बैक्टीरियल है? तो अगर हम डिटेल में हिस्ट्री ले तो कुछ चीज़ें पता चलती है। फॉर एग्जांपल अगर कॉलरा स्टूल के बारे में हम बोलेंगे तो बोलते हैं कि राइस वाटर स्टूल है, जैसे चावल उबालने के बाद का जो पानी है उस टाइप के लूज स्टूल्स होते हैं, और ये बहुत लार्ज क्वांटिटी में होते हैं, बहुत बार बच्चे को पता भी नहीं चलता कि उसने स्टूल किया हुआ है, और बहुत जल्दी डिहाइड्रेशन हो जाता है। मोस्टली पेन इन एब्डोमेन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट फीचर इसमें नहीं होता। सिमिलरली रोटावायरस का जो डायरिया होता है वो फटे हुए दूध के जैसे होता है, और ये भी बहुत ज़्यादा वाटरी होता है, बहुत जल्दी पेशेंट के फ्रीक्वेंट लार्ज क्वांटिटी के स्टूल्स होते हैं जिसमें बच्चा डिहाइड्रेटेड होने के चांसेस रहते हैं। बैसिलरी डिसेंट्री जो रहता है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण जो होता है, वो उसमें हम देखते हैं कि ग्रीनिश या येलोइश कलर के लूज स्टूल्स होते हैं, जिसमें थोड़ा सा म्यूकस होता है, मीन्स चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसके कारण से उसको बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आती है, और बहुत लार्ज क्वांटिटी में ये मोशंस होते हैं, और जिसमें भी डिहाइड्रेशन होने के चांसेस रहते हैं। अगर ये अमेबिक डिसेंट्री है, अमेबिया के कारण हो रहा है, तो इसमें जो स्टूल की फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है लेकिन स्टूल की क्वांटिटी बहुत कम होती है, तो हम देखते हैं कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा अर्ज आता है कि ये भी स्टूल के लिए जाना है, लेकिन जब जाते हैं तो वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्टूल होती है और उसमें म्यूकस और ब्लड बहुत ज़्यादा रहता है, वो फाउल स्मेलिंग रहता है, वो इंडिकेट करता है कि हाँ इसमें अमेबिक डिसेंट्री हो सकती है, ऐसे इसमें अपने स्टूल फॉर रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी करवा लेना चाहिए। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो हमको समझनी है, अगर मदर स्पेसिफिकली बताती, अगर ये इन्फंट है स्पेशली 5-6 महीने का, और मदर बताती है कि ये लूज मोशंस कर रहा है और उसमें जेली जैसा ब्लड जा रहा है, तो ये हिस्ट्री बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि बच्चे के अतड़ियों में इंटरसेप्शन नाम की बीमारी हो सकती है, मतलब जो अतड़ी इस तरीके से होनी चाहिए वो पलट के इस तरह एक अंदर में फंस जाती है, और ये फंसने के कारण फिर
बच्चे को वॉमिटिंग्स होते हैं, लूज़ मोशंस होते हैं, और इसमें स्पेसिफिकली वो हिस्ट्री देते हैं कि जो लूज़ मोशंस है उसमें जेली लाइक ब्लड है। अगर ये ऐसे ब्लड, जेली लाइक ब्लड वाला स्टूल आपने देख लिया तो उसका तुरंत एक सोनोग्राफी करवा लीजिए, क्योंकि वो आपको इंटरससेप्शन का डायग्नोसिस दे सकता है जिसका ट्रीटमेंट सर्जिकल है। इसके अलावा एक और चीज़ हमको समझनी है कि जब बच्चे को यूआरआई है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, सर्दी है, खांसी है, कफ जमा हुआ है, तो जैसे हमें खांसी आती है और बलगम आता है तो हम थूक देते हैं, ये बच्चे थूक नहीं सकते 6 साल के नीचे के, वो सॉलो कर लेते हैं, और सॉलो करने के कारण जो म्यूकस है वो स्टूल में से निकल जाता है, जिसके कारण से बच्चे को म्यूकॉइड और स्मॉल क्वांटिटी के फ्रिक्वेंट स्टूल हो सकते हैं, लूज स्टूल्स हो सकते हैं। तो इसको ये समझना है कि इसको एंटीबायोटिक आपको नहीं देना है, जैसे जैसे उसका कफ रिकवर हो जाएगा वैसे वैसे ये स्टूल्स उसके कम हो जाएंगे, उसके लिए अलग से एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए बहुत से पुराने लोग बोलते भी थे कि इसका कफ संडास में से निकल रहा है ना। तो ये चीज़ हमको समझना है कि लूज़ मोशंस मतलब उसका यहाँ पे पेट खराब है ऐसा नहीं है, ये इसके लूज़ मोशंस जो बलगम सॉलो कर रहा है उसके कारण से हो रहा है। अब हम समझते हैं कि ये पेशेंट को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस पेशेंट को घर में मैनेज किया जा सकता है, किसको एडमिट करना है, किसको सलाइन लगाना है, किसको नहीं लगाना है, और इसके ट्रीटमेंट में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले जो हमें समझना है कि हमें सबसे ज़्यादा जो खतरा डायरिया में है वो है डिहाइड्रेशन का। तो जिस भी पेशेंट में डिहाइड्रेशन की सीवियरिटी हमें ज़्यादा दिखती है या फिर डिहाइड्रेशन होने के सिम्टम्स दिखते हैं उनको हम हॉस्पिटलाइजेशन एडवाइस कर सकते हैं, और जिसमें डिहाइड्रेशन नहीं हुआ है अभी उसको हम सारी चीज़ें समझा के कि कौन सी चीज़ें होने पे आपको फिर से आना है या फिर कौन से डेंजर साइंस आने के बाद में बच्चे को एडमिट करना है, वो सारी चीज़ें समझा के हम बच्चे को घर भेज सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने 3 कैटेगरीज़ में पेशेंट को डिवाइड किया है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। अब कैटेगरी ए मतलब ऐसा बच्चा जिसको डायरिया तो है लेकिन डिहाइड्रेशन नहीं है, डिहाइड्रेशन के कोई सिम्टम्स नहीं है, उसको हम घर में मैनेज कर सकते हैं ORS पिला के। तो ORS के साथ साथ हम ORT भी एक होता है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, जिसमें हम समझते हैं कि ऐसा कोई भी लिक्विड पदार्थ जो बच्चे को दिया जा सकता है जिसमें नमक भी है और शुगर भी है, है ना। फॉर एग्जांपल आप उसको बटर मिल्क दे सकते हैं, आप उसको होममेड ORS दे सकते हैं, है ना, घर में भी हम चीनी और नमक का घोल बना के जो देते हैं, या फिर आप उसको नींबू पानी दे सकते हैं, या फिर कुछ हद तक के नारियल पानी और बाकी सारी चीज़ें जिसमें नमक और थोड़ी सी शुगर है, वो बच्चे को ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के जैसा घर में दिया जा सकता है। दूसरी कैटेगरी में आते हैं कैटेगरी बी, जिसमें हम बोलते हैं कि सम डिहाइड्रेशन है, थोड़ा डिहाइड्रेशन है या फिर डिहाइड्रेशन अभी शुरू हुआ है, तो ये बच्चा सीवियर डिहाइड्रेशन में ना जाए इसलिए इसे हम एडमिट कर लेते हैं, और अगर ये ओरली ले सकता है तो ORS के साथ ट्रीट करते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जैसे ओरली नहीं ले पा रहा है, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग कर रहा है, तो हम उसको IV लगाते हैं। और तीसरा है सीवियर डिहाइड्रेशन जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है, उसको जल्दी से जल्दी आपको करेक्ट करना ज़रूरी है। तो कैसे इसको हम कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और कैसे मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करें। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि बच्चा अलर्ट है ना, और नॉर्मल जैसा पानी हमेशा पीता है वैसे पी पा रहा है, उसकी आँखें अगर आप देखो तो मॉइस्ट है, आंसू आ रहे हैं, रो रहा है, तो मुँह देखे तो ड्राई नहीं है, है ना, मुँह मॉइस्ट है और वो पानी पी पा रहा है, उसको बाकी साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन कुछ नहीं है, उसका पेशाब अच्छे से पास कर रहा है, उसका आप अगर स्किन टर्गर देख रहे हैं तो स्किन टर्गर नॉर्मल है, मतलब उसको अगर स्किन को पिंच करते हो छोड़ दो रैपिडली अपनी जगह पे वापस चली जाती है, तो हम बोल रहे हैं कि इसमें कोई साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन नहीं है, तो इसको हम नो डिहाइड्रेशन कैटेगरी ए में डिवाइड करेंगे, और इसमें हम बच्चे को ORS देंगे, उसको डेंजर साइंस समझेंगे मदर को और उसको घर भेज देंगे। सेकंड हम देखते कैटेगरी बी, कैटेगरी बी मतलब सम डिहाइड्रेशन, तो हम देखें कि बच्चा थोड़ा सा रेस्टलेस होने लगता है या फिर चिड़चिड़ा होने लगता है, और उसमें हम देखेंगे कि उसकी आंखें ड्राई रहती है, टीयर्स कम होने लगते हैं, ओरल कैविटी ड्राई होने लगती है, लेकिन बच्चा पानी बहुत ज़्यादा पीने की कोशिश कर रहा है क्योंकि अभी कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म शुरू हुए उसके, तो उसको बहुत ज़्यादा पानी पीने का रहता है, तो इसका एडवांटेज क्या है कि आप उसको फीड कर सकते हैं, उसको पानी दे सकते हैं क्योंकि अभी बच्चा पानी पीना चाहता है, ठीक है। उसके अलावा हम देखेंगे कि उसकी अगर स्किन टर्गर हम देखें तो स्किन टर्गर बहुत स्लोली वापस जाती है, और उसका यूरिन अभी कम होना शुरू हुआ है, और मदर बताती है कि कम पेशाब कर रहा है और पीला कर रहा है क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड लो वॉल्यूम यूरिन
उसका होने लगा है कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म की। तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन शुरू हो गया, हम इसको बोलेंगे सम डिहाइड्रेशन। तो ऐसे पेशेंट को आपको एडमिट करना है, और उसको अगर वो ओरली ले पाता है तो ओरली, और ओरली नहीं ले पाता तो आईवी फ्लूइड हमको देना है। आप डिटेल में समझेंगे इसको। कैटेगरी सी जो आता है उसमें अगर हम देखेंगे कि बच्चा बहुत ज़्यादा सुस्त हो गया है, सुस्त होने के कारण या फिर ड्राउजी होने के कारण वो ड्रिंक नहीं कर पा रहा है ना, उसको आप ORS भी पिलाने की कोशिश कर रहे तो वो नहीं पी पा रहा। तीसरा, आइज बहुत ज़्यादा श्रंकन है, माउथ पूरी तरह से ड्राई है, टीयर्स अब्सेंट है। आप स्किन टर्गर देखने जा रहे हैं तो स्किन पिंच करने के बाद में बहुत स्लोली वापस जा रही है, और यूरिन काफ़ी कम हो गया है, जिसको हम ओलिगो यूरिया कहते हैं। तो ये कैटेगरी में अगर पेशेंट है तो हम इसको हम बोलेंगे कि ये सीवियर डिहाइड्रेशन का पेशेंट, इसको आपको तुरंत एडमिट करना है। एडमिट करके इसको तुरंत आईवी बोलसेस देने हैं, जिसके कारण से बच्चा टोटली उसमें से रिकवर हो जाए और उसके जो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है उससे पेशेंट को बचाया जा सके। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्लान ए में घर में कैसे ट्रीटमेंट देना है। सबसे पहले तो मदर को समझाना है कि आपको बच्चे को ORS देना है, और जो भी घर में अवेलेबल चीज़ें हैं वो देनी है। जैसे कि हमने समझा था कि बटर मिल्क है या फिर नींबू पानी है, और बाकी सारी चीज़ें जो बच्चे को दी जा सकती है। अगर इन्फंट है तो ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करना है ना। और जैसा इसका वॉल्यूम अगर समझे तो 2 साल के नीचे का बच्चा अगर है तो 50-100 ml का ORS हर लूज मोशंस के बाद में। अगर ये 2 से 10 साल का बच्चा है तो इसको 100-200 ml हर लूज टूल के बाद में, और अगर 10 साल से ज़्यादा है तो जितना बच्चा ORS पीना चाहता है वैसा उसे पिलाना है। अब ORS बनाते वक्त बहुत बार लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी लेते हैं, उसमें थोड़ा सा पाउडर डाल के बच्चे को दे देते हैं। ये बहुत ही गलत तरीका है, क्योंकि अगर उतनी मात्रा में अगर ORS उतने पानी में डाइल्यूट होगा तभी वो काम करेगा। तो अगर वो ORS के पैकेट में लिखा है कि टू बी डिजॉल्व इन 1 लीटर, तो आपको 1 लीटर पानी में एट ए टाइम बनाना है, उसमें से थोड़ा थोड़ा बच्चे को पिलाना है चम्मच से, एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं पिलाना। अगर बहुत ज़्यादा पिला दिया तो वो वॉमिटिंग कर देगा। तो आपको सिप बाय सिप बच्चे को पिलाना है, और अगर 24 घंटे में वो यूटिलाइज नहीं होता, समझो छोटा सा बच्चा है नहीं पी पा रहा है, तो फेंक देना है, 24 घंटे बाद नया बनाना है, ठीक है। और अगर ORS देने के बाद में बच्चा वॉमिटिंग कर दिया है तो 15 मिनट रुक जाना है, 15 मिनट के बाद में फिर से ट्राई करना है, और जैसे ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करना है। अब इसमें और क्या डाइटरी चेंजेस हम कर सकते हैं उसके बारे में हम जो डाइटरी मैनेजमेंट है उसमें समझेंगे डायरिया के। तो इसके अलावा मदर को कुछ चीज़ें समझाना है कि अगर समझो डायरिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया, या तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, बहुत जल्दी जल्दी लूज मोशंस हो रहे, या फिर बहुत ज़्यादा हो रहे वॉल्यूम में हो रहे हैं, है ना, या फिर बच्चा कुछ भी पचा नहीं पा रहा, सब वॉमिट कर दे रहा है, या फिर देख रहे हैं कि उसका यूरिन कम होने लगा है ना, या फिर बच्चा सुस्त होने लगा है, या फिर उसने फीडिंग करना कम कर दिया है ना। तो ये सारी चीज़ें हमको देखना है। हाई ग्रेड फीवर अगर बच्चे को आ गया, या फिर बच्चे ने 8 घंटे से ज़्यादा पेशाब नहीं किया है, या फिर ब्लड स्टूल में ब्लड आ गया है ना। और अगर बच्चा बॉटल फेड है तो उसको आपको थोड़ा जल्दी फॉलोअप लेना पड़ेगा। जो मदर्स मिल्क पे बच्चे होते हैं वो एडवांटेज पे होते हैं डायरिया में, क्योंकि उनको जल्दी रिकवरी होती है, उनका डायरिया परसिस्टेंट नहीं रहता, इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग अलाउ करना है। लेकिन जो बॉटल फेड बच्चे होते हैं उसमें बहुत बार प्रॉब्लम ये होती है कि डायरिया के साथ में कभी कभी लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है, क्योंकि जो लैक्टेज एंजाइम होता है वो जो इंटेस्टाइन के जो विलाय होते हैं, सपोज ये हमारी इंटेस्टिनल म्यूकोजा है, तो इसमें जो विलायज होते हैं उसके जो सेल्स है उसके अंदर ये लैक्टेज एंजाइम होता है ना। तो क्योंकि ये विलाय बहुत बार शेड हो जाते हैं डायरिया में, तो ये लैक्टेज एंजाइम भी हमारा लॉस हो जाता है, जिसके कारण से ट्रांजिएंट लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, जिसके कारण से बच्चा दूध नहीं पचा पाता। लेकिन मदर्स मिल्क ज़्यादा बेहतर तरीके से पचा लेता है, और उसके बहुत अच्छे दूसरे एडवांटेज भी है, इसलिए मदर्स मिल्क कंटिन्यू करना है। लेकिन बहुत बार फिर हमें कुछ देर के लिए, अगर बड़ा बच्चा है और सिर्फ दूध पर डिपेंड नहीं है, तो उसका दूध बंद करना पड़ता है जब तक कि बच्चा रिकवर ना होने लगे। तो अब समझते हैं कि कैटेगरी बी, प्लान बी क्या है। प्लान बी ये है कि अगर बच्चे को सम डिहाइड्रेशन है ना, जैसे हमने समझा था कि उसके आईज अभी ड्राई होने लगे हैं, उसका ओरल म्यूकोसा ड्राई होने लगा है, उसका स्किन टर्गर थोड़ा धीरे जा रहा है, लेकिन बच्चा वीगरसली फीडिंग कर रहा है, उसको पानी चाहिए है ना, उसका थर्स्ट अच्छा है और अभी अलर्ट है, चिड़चिड़ा है थोड़ा सा, लेकिन फीडिंग ले पा रहा है, तो उसमें हम प्लान बी करते हैं। इसमें हम बच्चे को एडमिट करते हैं, एडमिट करके उसको ORS देना। एडमिट क्यों करना है, क्योंकि हम उसको मॉनिटर करना है कर रहे हैं कि कहीं वो सीवियर डिहाइड्रेशन में तो नहीं जा रहा।
तो उसमें हमको जो ट्रीटमेंट उसको देना, उसको हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया। एक तो उसका डेली जो रिक्वायरमेंट है उतना उसको मिलना चाहिए, दूसरा जो ऑलरेडी उसका डिहाइड्रेशन हो गया है उसको करेक्ट करना है, तीसरा जो लूज मोशन अभी भी कर रहा है उसके वॉल्यूम को रिप्लेस करना है। तो ये तीन तरीके से हम उसको फ्लूड देंगे। तो 10 किलो का अगर बच्चा है तो उसको 100 ml पर kg के हिसाब से देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 7 किलो का बच्चा है तो उसको 700 ml हमको पर डे देना है फ्लूइड, है ना, तो जो हमको ORS के रूप में देना है। अगर 10 से 20 किलो के बीच में हम 50 ml पर kg देते हैं और 20 kg के ऊपर में 20 ml पर kg। फॉर एग्जांपल अगर 15 kg का बच्चा है तो उसको 24 घंटे में हमको 1250 ml ORS देना है 24 hours में, है ना, पर डे। तो ये कैसे कैलकुलेशन हुआ, पहले 10 किलो के लिए 1000 और ऊपर के 5 किलो के लिए 50 ml पर kg, तो ये टोटल 1250 ml जाएगा। इसको हमने डिटेल में अपने IV फ्लूइड मेंटेनेंस में समझाया है, है ना। तो ये हमारा ORS का डोज है, ठीक है। साथ में उसको जो डिहाइड्रेशन ऑलरेडी हो गया है उसको आपको करेक्ट करना है। तो उन्होंने देखा कि अगर हम 7.75 ml पर kg के हिसाब से 4 घंटे में ORS दे दे तो ऑलरेडी जो डिहाइड्रेशन में बच्चा है उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। तो 75 ml पर kg के हिसाब से आपको ORS देना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा 10 किलो का है तो आपको उसको 750 ml ORS देना है 4 घंटे में। 4 घंटे में मतलब उसे बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा सिप बाय सिप देना है, लेकिन कोशिश करना है कि 750 ml ORS उसको देना है 4 घंटे में, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा थर्स्टी है और ईगरसली ड्रिंक भी कर रहा है, इसलिए आप ये चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। तीसरा, आपको एक अप्रोक्सीमेटली वॉल्यूम देखना है कितना लूज टूल उसने किया और उसके हिसाब से आपको उस लूज टूल्स को भी ORS से रिप्लेस करना है, पिलाना है बच्चे को ORS उतना। फॉर एग्जांपल अगर बच्चा 100 ml का स्टूल करता है तो 100 ml आपको ORS पिलाना है उसको रिप्लेस करने के लिए। तो इस हिसाब से आपको कैलकुलेट करके बच्चे को एडमिट करके ORS देना है। पर बहुत बार हमने देखा है कि ये स्टेज में भी बच्चा बहुत अच्छे से फीडिंग नहीं कर पाता, ORS नहीं ले पाता, तो इसको आपको IV फ्लूइड लगाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर बहुत फ्रीक्वेंट वोमिटिंग हो रहा है, जो भी बच्चे को दे रहे हैं वो वोमिट कर दे रहा है, तो ऐसे इसमें आपको IV कैनुला डालना है, एक एंटी एमिटिक्स बच्चे को देना है और उसको ORS शुरू करना है। अब ORS अगर टॉलरेट नहीं करता है तो आपको फिर उसमें IV फ्लूइड लगाना है। तो ये हमारा, इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर लूज मोशंस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मोर देन अगर 5 ml पर kg पर आर से भी ज़्यादा अगर उसके लूज मोशंस हो रहे हैं, या फिर हर घंटे में 3 बार से ज़्यादा वोमिटिंग हो रहा है, या फिर हम देखते हैं कि बच्चे का पेट फूला हुआ है हल्का सा, जिसको हम बोलते हैं कि पैरालिटिक आईलीएस के जैसा है, या फिर बच्चा कुछ भी नहीं लेने को देख रहा है, चिट ज़्यादा हो रही है लेकिन फीडिंग नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको उसे IV फ्लूइड्स देने होते हैं, है ना। और IV फ्लूइड्स भी आपको जैसे मेंटेनेंस IV फ्लूइड और उसके ऊपर एक बार बच्चे का डिहाइड्रेशन करेक्ट होने के बाद में आप उसे ओरली दे सकते हैं। जैसे बच्चा एक्सेप्ट करने लगता है ओरली, आप उसको ओरल पे शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन जब तक ओरल नहीं लेता तब तक ये कैटेगरी में भी आपको IV फ्लूइड्स देने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो प्लान बी में जैसा हमने समझा था कि 4 घंटे में आपने ORS दिया और उसके बाद में आपको रीअसेस करना है। अगर अभी भी साइंस ऑफ सम डिहाइड्रेशन है तो आपको फिर से 75 ml पर kg ओवर 4 hours रिपीट करना है। अगर साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन नहीं है बच्चे को, अगर कोई भी साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन अभी नहीं दिख रहे, बच्चा एकदम से नॉर्मल बच्चा जैसे हम कैटेगरी ए में डिवाइड किए थे वैसा हो गया है, तो इसको 6 घंटा ऑब्जर्व करने के बाद आप डिस्चार्ज कर सकते हैं। लेकिन 6 घंटा ऑब्जर्व करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत बार लूज मोशंस फिर से बढ़ जाते हैं और बच्चे को सम डिहाइड्रेशन हो सकता है। कैटेगरी 3 में हम देखते हैं कि किस तरीके से पेशेंट को मैनेज करना है। तो जैसा हमने बोला था कि कैटेगरी सी मतलब सीवियर डिहाइड्रेशन है, इसको इमरजेंसी में आपको एडमिट करना है। एडमिट करके यहाँ पे हम IV फ्लूइड देंगे, क्यों, क्योंकि हमने समझा था कि बच्चे में सीवियर डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स है और बच्चा नॉट एबल टू फीड है, जिसके कारण से हम उसको ORS के ऊपर रिलाय नहीं रह सकते। ऐसे कंडीशन में आपको उसे IV फ्लूइड देना पड़ेगा। अब IV फ्लूइड देने के लिए उन्होंने कहा है कि 100 ml पर kg के हिसाब से आप IV फ्लूइड दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 किलो का बच्चा है तो आपको 1000 ml IV फ्लूइड देना है, लेकिन कैसे देना है उसको दो हिस्सों में उन्होंने डिवाइड किया, 30 ml पर kg 70 ml पर kg। इसमें का 30 ml पर kg आपको रैपिडली देना है। रैपिडली मतलब अगर 1 साल से नीचे का बच्चा है तो 1 घंटे में, और अगर 1 साल से ऊपर का बच्चा है तो उसको आधे घंटे में देना है। तो जिसके कारण से जो पेशेंट का सीवियर डिहाइड्रेशन में अगर बच्चे का पल्सेस कम होने लगा है, BP कम होने लगा है, तो तुरंत इसको सेटिस्फाई करेगा। अब ये 30 ml पर kg जाने के बाद आपको फिर से देखना है। अगर बच्चे को आपको अभी भी ऐसा लगता है कि बच्चे के पल्सेस फीबल है
है ना, बच्चे का बीपी अभी भी इम्प्रूव नहीं हुआ है, शॉक में है बच्चा, तो आपको 30 ml/kg फिर से रिपीट करना है अगेन इन्फंट में 1 घंटे में, और अगर 1 साल के ऊपर है तो 1.5 घंटे में। और आपने फिर से रीअसेस किया 30 ml/kg जाने के बाद में कि अभी पल्सेस अच्छे हैं, तो आपको फिर 70 ml/kg देना है। अगेन लेस देन 1 ईयर में आपको 5 घंटे में देना है, और मोर देन 1 ईयर में आपको 2.5 आवर में देना है। तो इसके बाद में आपको फिर से बच्चे को असेस करना है। अब जब आपका 100 ml/kg बच्चे में आपने दे दिया है, उसके बाद आपको फिर से असेस करना है, तो हो सकता है बच्चा फिर से सीवियर डिहाइड्रेशन में रहे, क्योंकि जो ऑनगोइंग स्टूल लॉस है वो बहुत ज़्यादा है। बच्चा इतना पॉटी कर रहा है कि 100 ml/kg देने के बावजूद भी उसका अभी भी डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन के साइंस है, अभी भी उसका यूरिन कम है, अभी भी उसकी आइस संकन है, अभी भी वो बच्चा फीड नहीं कर पा रहा है, और उसका स्किन टर्गर बहुत ज़्यादा डीरेंज है। तो ऐसे कंडीशन में आप उसको फिर से 100 ml/kg का बोलस रिपीट करेंगे सेम पैटर्न में, और उसके बाद फिर से रीअसेस करेंगे। अगर समझो बच्चा सीवियर डिहाइड्रेशन में तो नहीं है, लेकिन सम डिहाइड्रेशन अभी भी है, तो आप उसका, और बच्चा अगर अब ओरली लेने लगा है, तो आप उसका आईवी फ्लूइड बंद करके उसको ORS दे सकते हैं, और एडमिशन उसका कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक कि बच्चा डिहाइड्रेशन में से पूरी तरह से रिकवर नहीं हो जाता। तो अगर सम डिहाइड्रेशन है, तो हम फिर से 75 ml/kg और 4 आवर के हिसाब से ORS देंगे, और उसके बाद में रीअसेस करेंगे। अगर नो साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन है, बच्चा एकदम अच्छा है, खाने पीने लगा है, लूज टू मोशन की फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, तो बच्चे को आप डिस्चार्ज कर सकते हैं। लेकिन डिस्चार्ज करने के पहले हमको 6 घंटा बच्चे को ऑब्जर्व करना है कि कहीं उसको फिर से लूज मोशंस होते हैं, या फिर कहीं फिर से उसको साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स तो नहीं आते हैं। अब हम समझते हैं ORS क्या है। अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये सदी का सबसे बड़े इन्वेंशन में से एक है, इसने बहुत लोगों की जान बचाई है। बहुत ही सिंपल चीज़ है, घर में दिया जा सकता है, और डायरिया में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये काम कैसे करता है, ORS का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? ORS जो है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इसको हम देखेंगे कि ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। जो हम डायरिया में देखते हैं, तो डायरिया में सोडियम क्लोराइड और वाटर बहुत ज़्यादा सिक्रिट होता है, जिसके कारण से शरीर में से पानी लॉस होता है। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि ग्लूकोज डिपेंडेंट सोडियम पम्प जो इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं, वो अभी भी काम करते हैं। तो जिसमें हम देखेंगे कि वो उस पंप में से 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O वाटर, ये उसमें से जा सकते हैं, और जिसके कारण से पानी एब्जॉर्ब हो जाता है और डिहाइड्रेशन करेक्ट होता है। तो ORS के बनाने के तरीके में उन्होंने देखा है कि ग्लूकोज और सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन वो सेम रखते हैं, तो जिसके कारण से वो काम करता है, और जब ये दोनों एब्जॉर्ब होते हैं तो साथ में अपने साथ पानी भी लेके जाते हैं। तो इसलिए जो ORS है उसमें ग्लूकोज और सोडियम जो मिलीमोल्स पर लीटर हम देखते हैं वो सेम रहेगा। अब जब पहली बार ORS बनाया था, तो उसकी ऑस्मोलैरिटी थोड़ी सी ज़्यादा थी, जिसके कारण से कुछ दिक्कतें आ रही थी, इसलिए 2004 के बाद में उन्होंने लो ऑस्मोलैरिटी ORS उन्होंने बनाया है। जो लो ऑस्मोलैरिटी ORS है, उसमें उन्होंने थोड़ा सा ग्लूकोज का परसेंटेज कम कर दिया, और उसी अनुपात में सोडियम भी कम कर दिया। तो हमने जैसा समझा था कि ग्लूकोज और सोडियम ऑस्मोलैरिटी को डिसाइड करते हैं, तो इनका कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा रहा तो ORS का ही ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो जाता है, और ORS का ऑस्मोलैरिटी जब इंटेस्टाइन में ज़्यादा रहता है, तो वो पानी कभी कभी खींच के अपने साथ में ले जाता है और डायरिया करता है, डायरिया को कभी कभी बढ़ाता है, या फिर डायरिया इम्प्रूव नहीं होता। इसलिए उन्होंने फिर लो ऑस्मोलैरिटी ORS की खोज की। अब लो ऑस्मोलैरिटी ORS में ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन उन्होंने कम कर रखा हुआ, तो इसका क्या फ़ायदा हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि वोमिटिंग कम होने लगी बच्चे को, बच्चे का डायरिया जल्दी इम्प्रूव हो गया, बच्चे का जो IV का रिक्वायरमेंट है वो कम हो गया, लेकिन सोडियम का कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए। जैसे हम सोच सकते कि अगर सोडियम कम देंगे तो बॉडी में का सोडियम कम हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ, सोडियम नॉर्मल रहा। तो इसलिए अभी रूटीनली ऑल ओवर इंडिया हम लो ऑस्मोलैरिटी ORS यूज़ करते हैं। अब ये ऑस्मोलैरिटी का इंपॉर्टेंस क्यों है? ऑस्मोलैरिटी हमेशा प्लाज्मा के नीचे रहनी चाहिए। प्लाज्मा हमने समझा था कि ऑस्मोलैरिटी है 290-295, तो उससे हमको ORS की ऑस्मोलैरिटी कम रखनी पड़ेगी, तभी ये ORS में से फ्लूइड जो है वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा, ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब होगा। तो ये ऑस्मोलैरिटी का कंसेप्ट को हमने अपने ऑस्मोलैरिटी के क्लास में बहुत डिटेल में समझाया है। ORS के कंपोजिशन पे भी बहुत सारे
क्वेश्चंस आते हैं। तो ORS का अगर हम कंपोजिशन देखें तो इसमें हम देखेंगे सोडियम क्लोराइड है 2.6 ग्राम पर लीटर, ग्लूकोज है 13.5 ग्राम पर लीटर, पोटेशियम क्लोराइड है 1.5 ग्राम पर लीटर, ट्राइसोडियम साइट्रेट डिहाइड्रेट है 2.9 ग्राम पर लीटर। इसकी अगर ऑस्मोल्स के हिसाब से अगर हम देखें तो सोडियम है 75 मिलीमोल पर लीटर, उतना ही ग्लूकोज है 75 मिलीमोल पर लीटर, क्लोराइड है 65 मिलीमोल पर लीटर, पोटेशियम 20 मिलीमोल पर लीटर, साइट्रेट है 10 मिलीमोल पर लीटर, और इसका अगर टोटल ऑस्मोलैरिटी अगर हम देखें तो ये 245 है। 245 ये हमारा लो ऑस्मोलैरिटी ORS है। इसमें न्यूट्रिशंस क्या क्या देने हैं हमको, क्या क्या चीज़ें खाने में देनी है बच्चे को डायरिया में और क्या क्या नहीं देनी है। तो सबसे पहले तो अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे है तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करना, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग पे जो बच्चा रहता है वो परसिस्टेंट डायरिया में नहीं जाता। ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर कुछ हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं और इजी टू डाइजेस्ट होता है, जो डायरिया को प्रिवेंट करता है, डायरिया को जल्दी रिकवर करने में हेल्प करता है। इसके अलावा देखा है कि फीडिंग बहुत बार रोक लेते हैं कि बच्चे को लूज मोशंस रहते हैं, लोग खाना ही नहीं देते, तो ऐसा नहीं करना है। आपको डाइट कंटिन्यू करनी है। खाना देने के कारण ज़्यादा सोडियम और वाटर एब्जॉर्ब होता है, जल्दी डायरिया रिकवर होता है, और जो हम बोलते हैं कि इंटेस्टिनल रिकवरी फास्ट रहती है, जो उससे इंटेस्टिनल लाइनिंग है वो जल्दी रिकवर होते हैं, और जो माल न्यूट्रिशन है उसको भी आप अवॉइड कर सकते हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जो एडवांटेजेस है, जो आप बच्चे को अगर देते हैं तो डायरिया में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल बटर मिल्क है, या फिर बनाना स्मैश बनाना है, या फिर पोटैटोज है, या मूंग दाल खिचड़ी है, तो ऐसी चीज़ें पचने में हल्की होती है, आप उसको नारियल का पानी दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती है बच्चे को डायरिया से रिकवर होने के लिए। कुछ चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एनिमल मिल्क दे रहे हैं, है ना, तो वो आपको अवॉइड करना है, क्योंकि जैसा हमने समझा था कि डायरिया में बहुत बार लैक्टेज एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाती है, जिसके कारण लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है। तो हो सके तो एनिमल मिल्क अवॉइड कीजिए, अगर आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं काउज मिल्क या बफेलोज मिल्क, और वो सिर्फ दूध पे डिपेंड नहीं है, तो आप दूध को कम कर दीजिए। उसको आपको फ्रूट जूसेस नहीं देने हैं, है ना, फ्रूट जूसेस से डायरिया, और बहुत बार मिल्क और फ्रूट जूसेस देने से डायरिया बढ़ जाता है। इसके अलावा ओवर फर्मेंटेड चीज़ें, या फिर स्पाइसी या ऑयली चीज़ें, या फिर जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर है, सॉल्टी है, या फिर खट्टी चीज़ें हैं, या फिर आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स है, या जैसे कि कोल्ड ड्रिंक है, सोडा है, आपको सिर्फ ग्लूकोज वाली चीज़ें भी अवॉइड करनी है। बहुत से लोग सिर्फ ग्लूकोन डी देते हैं, तो ये ORS नहीं है, क्योंकि इसमें सॉल्ट नहीं है, इसलिए आपको ग्लूकोज ड्रिंक भी अवॉइड करने हैं। एनर्जी ड्रिंक्स जो बहुत बार दिए जाते हैं वो भी आपको नहीं देना है, या फिर ड्राई फ्रूट्स एक चीज़ है जो आपको अवॉइड करनी है। तो इस प्रकार से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। जिंक सप्लीमेंटेशन का रोल बताया गया है, अगर 6 महीने से ऊपर का एज है बच्चे का तो उसे आप 20 mg पर डे जिंक दे सकते हैं। तो जिंक का उन्होंने देखा है कि जिंक इंटेस्टिनल रिकवरी में हेल्प करता है और परसिस्टेंट डायरिया में जाने से बचाता है और डायरिया से रिकवरी फास्ट करता है। अदर क्या चीज़ें हैं ORS और डाइट मॉडिफिकेशन में जो हम बहुत बार बच्चों में यूज़ होती है डायरिया के साथ में, एक तो एंटीमेटिक है, अगर बच्चा वॉमिट कर रहा है तो आपको ऑनडेम देना है, ऑनडेम का डोज 0.2 mg पर kg के हिसाब से देना है। अगर ये ओरल ले पाता है तो ओरल ऑनडेम दे सकते हैं, और अगर नहीं ले पा रहा तो हमको इंजेक्शंस देने होते हैं। लेकिन जो एक ट्रिक बहुत बार काम कर जाती है कि जिसका टैबलेट आता है ऑनडेम का, इसे आप डोज कैलकुलेट करके हाथों से क्रश करके बच्चे के मुंह में दे सकते हैं, और ये यही से काम करना शुरू कर देता है, और बहुत बार बच्चे का एडमिशन प्रिवेंट हो जाता है। अदरवाइज जब आप सायरप देते हैं और साथ में कुछ पानी देते हैं तो वो वॉमिट कर देता है। अगर आपने टैबलेट दे दिया, वो मुंह में ही घुल के अगर एक्शन उसका शुरू हो गया, तो बहुत बार उल्टियाँ बंद हो जाती है और बच्चे का एडमिशन टल जाता है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स का स्पेसिफिक रोल है। अगर आपकी अमीबिक डिसेंट्री है तो आप मेट्रोनिडाजोल को प्रेफर कर सकते हैं, और बड़ा बच्चा 6 साल के ऊपर है और आप उसको बैक्टीरियल डिसेंट्री या फिर बैक्टीरियल डायरिया सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें आप फिर 6 साल के ऊपर के बच्चों में ओफ्लोक्सासिन प्लस मेट्रोनिडाजोल आप एडवाइस कर सकते हैं। 6 साल के नीचे के बच्चे में ओफ्लोक्सासिन रिकमेंडेड नहीं है। तो हमने समझा था कि कॉलरा है, बैसिलरी डिसेंट्री है, अमेबिक डिसेंट्री, इसमें एंटीबायोटिक का रोल है। अगर आप वायरल डायरिया सस्पेक्ट कर रहे हैं, या फिर इंडाइजेशन के कारण सस्पेक्ट कर रहे हैं, या नॉन इन्फेक्टिव कॉज के कारण आप डायरिया सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वैसे में आपको
एंटीबायोटिक शुरू नहीं करना है। और जैसा हमने समझा था कि पोस्ट यूआर है, अगर डायरिया हो रहा है तो उसमें भी एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, वो और ज़्यादा सिम्टम्स को बढ़ाएगा हेल्प करने की बजाय। इसके अलावा बहुत से लोग एंटी मोटिलिटी ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल लोमोटिल है, फिर लोपेरामाइड है, इमोडियम है, डायफेनॉक्सिलेट है। तो ये जो एंटी मोटिलिटी ड्रग्स है ये रिकमेंडेड नहीं है, बच्चों में ये चीज़ हमको नहीं देनी है, क्योंकि ये मोटिलिटी को कम कर देती है, गट की मोटिलिटी को ही कम कर देती है। तो बच्चा रिकवर नहीं हो रहा है, आपने जो इंटेस्टाइन की मूवमेंट है उसी को बंद कर दिया, तो जिसके कारण इंटेस्टाइन के अंदर पड़े पड़े जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसमें से बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होके कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, बहुत बार डिस्टेंशन एब्डोमेन का बढ़ जाता है और फिर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ें हमको अवॉइड करनी है, बच्चों में ये चीज़ें नहीं देनी है। कुछ एंटी सिक्रेटरी ड्रग्स होते हैं जिसमें का एक रेसिका डॉट्रिल है, तो ये थोड़ा सा रोल इसमें बताया गया है, लेकिन अभी भी इसके बारे में रिकमेंडेशंस नहीं है कि आपको ये चीज़ यूज़ करनी है या नहीं। प्रोबायोटिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसको यूज़ किया जा सकता है। कंसेप्ट ये होता है कि जो पैथोलॉजिकल बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को ये प्रोबायोटिक के जो हेल्दी बैक्टीरिया है वो रिप्लेस कर देंगे और जिसके कारण से डायरिया जल्दी रिकवर हो जाएगा। लेकिन जो रिसेंट स्टडी पाई गई है उसमें इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं बताया गया है, फिर भी इनको यूज़ किया जा सकता है ना, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा ऐसे नुकसान नहीं है, लेकिन आपको एंटी मोटिलिटी ड्रग बिल्कुल भी नहीं देने के हैं। इसके अलावा फीवर के लिए आप कुछ मेडिसिन दे सकते हैं अगर बच्चे को फीवर है तो। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, डायरिया के अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने समझा कि इसमें डिहाइड्रेशन हो सकता है जिसके कारण से बच्चे का ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, बच्चा शॉक में जा सकता है और क्रिटिकल हो सकता है। बहुत बार लूज मोशंस इतने ज़्यादा होते हैं और बच्चा इतना सीवियर डिहाइड्रेशन में होता है कि रीनल पैरामीटर डीरेंज हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि प्री रीनल फेल्यूर में बच्चा चला जाता है। इसके अलावा सीवियर वोमिटिंग कर करके कभी कभी वोमिटिंग में ब्लड आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हमने देखा है कि बच्चे का पेट फूल जाता है, जिसको हम पैरालिटिक आइलियस बोलते हैं। पैरालिटिक आइलियस का मतलब है कि जो इंटेस्टाइन साउंड है वो कम हो गए हैं और एब्डोमिनल डिस्टेंशन शुरू हो गया है जिसके कारण से। अब एब्डोमिनल जो इंटेस्टिनल मूवमेंट है वो क्यों कम हुई है, एक तो पोटेशियम कम हो गया है, हाइपोकैलेमिया, जिसके कारण से बच्चे को हमने देखा कि इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के साइन आ जाते हैं, एब्डोमिन डिस्टेंड हो जाता है, बिलियस वोमिटिंग शुरू हो जाती है। या फिर जो अगर जैसा हमने समझा था कि एंटी मोटिलिटी ड्रग यूज़ किए हैं उसके कारण से, या फिर बहुत बार सीवियर एंटेरोकोलाइटिस रहता है जिसके कारण से ऐसा होता है, या फिर हमने देखा कि कुछ सेप्टिसीमिया हो गया, खास करके अगर लेस देन 2 मंथ्स के बच्चा है तो ऐसे कंडीशन में भी पैरालिटिक आइलियस होके एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है। ऐसे पेशेंट को आपको NBM रखना है, एक राइल्स ट्यूब डाल के पूरे सिक्रीशन से एस्पिरेट करना है। आप में अगर पोटेशियम अगर कम है तो पोटेशियम करेक्शन देना है, और अगर IV फ्लूइड्स बच्चे को देना है ऑफकोर्स, क्योंकि बच्चे को आप फीडिंग नहीं दे पा रहे। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, हमने समझा था कि हाइपोकैलेमिया हो सकता है। इसके अलावा सोडियम कम ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा किसी बच्चे को कन्वर्जेंस भी आ सकते हैं। अब कन्वर्जेंस जब डायरिया के पेशेंट के साथ में आते हैं तो आइदर वो हाइपरनेट्रीमिया हाइपोनेट्रीमिया के कारण होते हैं, या फिर कभी कभी ग्लूकोज कम होने के कारण हाइपोग्लाइसीमिया के कारण आते हैं। बहुत बार एन्सेफेलाइटिस या मेनिनजाइटिस एसोसिएटेड रहते हैं, या फिर कभी कभी वेनस थ्रोम्बोसिस के कारण हो सकते हैं, या फिर अगर फेब्राइल कन्वर्जन का पेशेंट है तो फीवर के कारण भी कन्वर्जेंस आ सकते हैं। इसके अलावा समझा था कि इसमें ट्रांजिएंट लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है जिसके कारण से बच्चा दूध नहीं पचा पाता, या फिर कुछ रिएक्टिव डिसीजेस होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि बच्चे के शरीर पे रैश आ गई है या फिर उसके जॉइंट्स सोलन हो गए हैं। अब डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले हमको समझना है कि न्यूट्रिशन इम्प्रूव करना है, जिसमें हमने देखा कि जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग पे होते हैं वो डायरिया से कम अफेक्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू बॉटल फीड बच्चे। तो बॉटल फीड बच्चों में डायरिया का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है। अगर ऑलरेडी बच्चा माल नरिश है तो डायरिया जल्दी होता है और ज़्यादा सीवियर होता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस करता है। दूसरा, हमको समझना है कि अगर डायरिया होता भी है तो आपको न्यूट्रिशन कम नहीं करना है। इसके अलावा सैनिटाइजेशन, हम समझते हैं कि हाथ बार बार धोने, खाने के पहले आप पेट्स को हाथ लगाते हैं, या फिर गार्डनिंग करते हैं, या खेल के आते हैं, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें आपका हाथ किसी कंटेमिनेटेड चीज़ों के हाथ में आया है तो आपको हैंड वॉश करना है। दूसरा,
जो यूटेंसिल्स है उसको क्लीन रखना है, घर में कॉकरोचेस नहीं होने देने हैं, जो भी खाना बनता है उसको ढक के रखना है और जहाँ तक हो सके 2 घंटे के अंदर पका हुआ खाना कंज्यूम कर लेना है। बाहर आप जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि साथ में एक पानी का बोतल अपना लेके जाए। अगर ऑलरेडी अगर ऐसे पता चल रहा है कि शहर में डायरिया के केसेस बढ़ रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में अपना खुद का पानी का बोतल कैरी करें। बाहर के जहाँ तक हो सके आइस जहाँ पे यूज़ होता है वो चीज़ें ना लें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गन्ने का जूस भी ले रहे हैं तो बिना बर्फ़ का लें। अगर आप जहाँ से आइसक्रीम जैसी चीज़ें खा रहे हैं जिसको कोल्ड स्टोरेज में रखते तो ये इंश्योर कर ले कि कोल्ड चेन मेंटेन हो रही है। बहुत बार वो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट मेल्ट हो जाती है और फिर से उसको रिफ्रेज करके भेज देते, लेकिन जब वो मेल्ट हुई रहती है उसमें बैक्टीरिया ग्रो हो जाते। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अनकुक्ड या फिर अंडर कुक्ड नॉनवेज नहीं खाना है, और जब भी सब्जी और बाकी सारी चीज़ें ले रहे हैं तो उसको अच्छे से धो के फिर उसको यूज़ करना है। तो ऐसे हाइजीन वाली चीज़ें का ध्यान रख के आप डायरिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। एक बार अगर किसी को घर में डायरिया हुआ है तो कोशिश करना है कि उसका जो अगर बच्चों का स्टूल है उसको प्रॉपरली डिस्पोज करें, जब तक बच्चा रिकवर ना हो जाए उसको स्कूल ना भेजें, और जो उसके यूटेंसिल्स है फॉर एग्ज़ाम्पल उसका टॉवेल है या फिर बाकी यूज़ करने वाली चीज़ें है उसको सेपरेट रखें, और आप भी आपके हाथ फ्रिक्वेंटली धोए जिसके कारण से आप उससे अफेक्ट ना हो। इसके अलावा आप वैक्सीनेशन भी कर सकते हैं। रोटा वायरस के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, और रोटा वायरस जैसा हमने समझा था कि एक वन ऑफ द मेजर रीज़न है लेस देन 1 ईयर में होने वाले डायरिया का, और इसको टोटली प्रिवेंट किया जा सकता है। हमने देखा है कि जिन जिन एरिया में रोटा वायरस का वैक्सीनेशन हमने किया है वहाँ पे डायरिया के केसेस काफ़ी कम हुआ है।